हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो MySQL SQL सर्वर की है, MySQL ने बल्कि SQL सर्वर की है। और आज के इस वीडियो में SQL सर्वर की ही बात करेंगे और उसमें चीजों को कैसे स्टोर कराते हैं, ये डेटाबेस क्या है, आइए समझते हैं। तो यहाँ पर MySQL ओपन किया मैंने, अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो पहले आपको इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। और यहाँ पर आप सर्च कीजिएगा इंस्टॉल करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, तो ये इस तरीके से नजर आ जाएगा आपको, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा और फिर जैसे ओपन होता है तो फिर इसे आपको नेट से कनेक्टेड रहना होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ये सर्वर पर वर्क करता है तो आपको नेट से कनेक्टेड रहना है। लीजिए आ गई ये विंडो, यहाँ से कनेक्टेड क्लिक कीजिएगा, कनेक्ट पर क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ से हमको डेटाबेस बनाना है, साइड में आपको डेटाबेस दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ से जाकर के राइट क्लिक कीजिएगा और न्यू डेटाबेस पे क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पर जो डेटाबेस बनाना है उसका नाम दे दीजिए, जैसे मेरे केस में मैं नाम दे देता हूँ स्कूल डी, यानी स्कूल का डेटाबेस, ये नाम दे दिया, एंटर किया। एंटर जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर जब डेटाबेस पे क्लिक करेंगे डबल क्लिक, तो आपको स्कूल डी नाम का डेटाबेस नजर आएगा। अब इस पर डबल क्लिक कर दीजिएगा तो फिर यहाँ पर डेटाबेस डायग्राम, टेबल्स, व्यूज, एक्सटर्नल रिसोर्सेज और तमाम चीजें नजर आएंगी। फिलहाल हमें जाना है टेबल पे, तो टेबल पे दो बार क्लिक कीजिएगा, ठीक है। लेकिन टेबल पर दो बार क्लिक करने से आपका काम होगा नहीं, तो यहाँ पर राइट क्लिक करके फिर हम टेबल बनाएंगे। तो ये आ गए टेबल पर और टेबल हम बना लेते हैं। इसमें पहला जो कॉन्सेप्ट है प्राइमरी की का है, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट है तो उसका जो रोल नंबर हम देंगे तो अंडरस्कोर लगा के लिखिएगा, ये हो गया रोल नंबर, ठीक है। अब रोल नंबर कौन सा डेटा टाइप होगा, तो इसे एन कैर रख देते हैं। नल अलाउ है कि नहीं, तो नल अलाउ नहीं करेंगे हम, यहां से टिक हटा देते हैं और यहां पर राइट क्लिक करेंगे और सेट प्राइमरी की पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये प्राइमरी की बन जाएगी। और यहां पर आते हैं, अब यहां पे नेम ऑफ स्टूडेंट दे देते हैं, तो ये लिखा नेम अंडरस्कोर देना मत भूलिएगा ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हो गया नेम ऑफ स्टूडेंट और यहां पर एन कैर डेटा टाइप ही रहेगा। और फिर यहां पर आते हैं सब्जेक्ट का नाम लिखते हैं जिनको जिनको एड करवाना है, तो कंप्यूटर लिख लिया पहला सब्जेक्ट, इंग्लिश लिख लिया दूसरा सब्जेक्ट और यहाँ पे लिख लेते हैं मैथ्स, तो ये तीसरा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये तीन ही सब्जेक्ट रखते हैं, आप चाहे तो और भी ले सकते हैं। यहाँ पर डेटा टाइप को मैं चेंज करने वाला हूँ, यहाँ पे इंटीजर हम दे सकते हैं, ठीक है, या न्यूमेरिक दे सकते हैं। तो यहाँ न्यूमेरिक फिलहाल मैं कर देता हूँ, यहाँ पर आते हैं इसे भी मैं न्यूमेरिक बना देता हूँ। जितना सब्जेक्ट है उसको न्यूमेरिक डेटा टाइप आप जरूर बना दीजिएगा, ठीक है। नल रखना है कि नहीं रखना ये देख लीजिएगा। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब इसको क्लोज करेंगे। तो यहाँ से क्लोज करते वक्त ही हम इसको सेव भी कर लेंगे, ये टेबल वन आ रहा है, स्कूल टी के नाम से सेव करता हूँ, स्कूल टी, ठीक है। तो ये सेव कर लिया हमने, अब यहाँ पर जब डबल क्लिक करेंगे तो आपको वो टेबल नजर आएगी, ठीक है। यहाँ पर डबल क्लिक कीजिएगा तो वो टेबल नजर आएगी, एक बार आपको रिफ्रेश करना होगा। तो ये देखिए ये स्कूल टी नाम से टेबल नजर आ रही है, यहाँ पर जा करके राइट क्लिक कीजिएगा और एडिट टॉप 200 रोज पे चले जाइएगा, तो ये कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। हमने रोल नंबर को प्राइमरी की बनाया था, तो प्राइमरी की जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि यूनिक की होती है, तो यूनिक की का मतलब यहां पर अगर आप वन लिखते हैं और यहां पर मान लीजिए स्टूडेंट का नाम है राम और यहां पे मार्क्स इनके डाल देंगे जो भी मार्क्स हैं, तो ये डाल दिया हमने। अब यहां पर देखेंगे तो आप वन नहीं दे सकते, दिस इज नॉट अलाउड। अगर प्राइमरी की बनाया तो वन नहीं दे सकते आप, ये बात ध्यान रखिएगा। यहां पर देखिए दूसरा नाम लिखता हूं श्याम, ठीक है, ये श्याम लिख दिया। अगर प्राइमरी की नहीं बनाया तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर बना दिया तो यहां पर आप नहीं दे पाएंगे। देखिए यहां पर दोबारा वैल्यू को रिपीट नहीं कर पाएंगे, ये लिखा हुआ है द डेटा इन रो टू वाज नॉट कमिटेड एरर रिसोर्स फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल क्लाइंट डाटा प्रोवाइडर, ये नीचे लिखा हुआ है द डुप्लीकेट की वैल्यू, तो यहां पर आप डुप्लीकेट वैल्यू नहीं दे सकते, तो आपको इसको हटाना पड़ेगा तभी आप डेटा एंटर कर पाएंगे आगे। अब देखिए अब ये आगे चला जाएगा, देख सकते हैं। तो यहाँ पर तीसरे जो स्टूडेंट है उनका नाम लिख देते हैं, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने तीसरे स्टूडेंट का नाम और यहाँ पर कुछ मार्क्स भी उनको दे देते हैं, तो ये मार्क्स भी दे दिया। तो इस तरीके से हम कर देंगे। अब इसको मैं क्लोज करता हूँ, हमें एक क्वेरी बनानी है। क्वेरी क्यों बनानी है, क्योंकि हम चाहते हैं कैलकुलेट करना, तो कैलकुलेट क्वेरी से ही हम कर पाएंगे, तो इस पर क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पर अगर आप लिखते हैं सेलेक्ट लिखा इस तरीके से और यहाँ पर लगाइएगा एस्टेक सिंबल, ठीक है। फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम है हमारा स्कूल टी, तो यहां पे स्कूल टी लिख दीजिएगा, स्कूल टी, ठीक है। इस तरीके से आपको लिख देना है और लिखने के बाद इसको टर्मिनेट कर दीजिएगा और फिर यहां से इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करिएगा, ये जो लिखा आपने, और यहां से एक्सिक्यूट पे क्लिक कीजिएगा, तो आपको वही चीज दिखाई दे जाएगी, वही टेबल, यानी कि पूरे टेबल को सेलेक्ट करने की क्वेरी क्या है, सेलेक्ट, ठीक है। फिर एंटर करके नीचे आते हैं। फिलहाल हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे लिखना है सेलेक्ट, हम किन किन चीजों को सेलेक्ट करना चाहते हैं वो चीजें हमें यहाँ पे देनी है, तो यहाँ पे लिखा सेलेक्ट, ठीक है। और सेलेक्ट किनको किनको करना है, तो हमें करना है नेम, पहले तो रोल नंबर, तो ये लिखा रोल
अंडरस्कोर नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से रोल नंबर हो जाएगा, कॉमा देंगे, इसके बाद किसको सेलेक्ट करना है, नेम ऑफ स्टूडेंट, तो यहां पे लिखेंगे नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट, ठीक है। तो ये नेम ऑफ स्टूडेंट हो गया, अब फिर कॉमा देंगे और फिर किसको सेलेक्ट करना है, कंप्यूटर, तो यहां पे लिख देंगे कंप्यूटर सिंपल वे में, और यहां पे कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद इंग्लिश करेंगे, ई एन जी एल आई एस एच, तो ये इंग्लिश हो गया, कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद क्या करना है, फिर मैथ्स करना है, एम ए टी एच एस, तो ये मैथ्स हो गया। सारी चीजें दे लेने के बाद हमें क्या करना है, टोटल करना है, ठीक है। टोटल कैसे करना है, यहां कॉमा लगाना है और फिर यहां पर लिखना है पहला सब्जेक्ट, जैसे पहला सब्जेक्ट क्या है हमारा, तो पहला सब्जेक्ट है हमारा कंप्यूटर, सी ओ एम पी यू टी ई आर, ये लिखा कंप्यूटर, ठीक है। प्लस का साइन लगाइएगा, दूसरा सब्जेक्ट है इंग्लिश, तो ई एन जी एल आई एस एच, इंग्लिश लिखा, ठीक है, प्लस का साइन लगाइएगा। तीसरा सब्जेक्ट है कंप्यूटर, कंप्यूटर तो लिख लिया मैंने, मैथ्स, एम ए टी एच एस, तो ये हो गया। अब इस ब्रैकेट को करिएगा क्लोज, ठीक है। क्लोज करने के बाद एज टोटल करिएगा, एज टोटल, ठीक है, एज टोटल, टी ओ टी एल, यानी इस फील्ड को हम क्या नाम देने वाले हैं, टोटल। अब आपको सिंपल यही क्वेरी लिख देना है, मैंने ऑलरेडी कर दिया है, ये देखिए, ये जो क्वेरी है सेलेक्ट रोल नंबर, पहले तो आपको ये देना होगा कि आप किन किन चीजों को सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे रोल नंबर है, नेम ऑफ स्टूडेंट है, कंप्यूटर है, इंग्लिश है, मैथ्स है, इन सब का एक साथ आप देखना चाहते हैं, जो भी डिस्क्रिप्शन है, फिर इन तीनों को ऐड करना, तीनों सब्जेक्ट को ऐड करना। तो यहाँ ऐड कर दिया और ये बता दिया कि ये ऐड करने के बाद टोटल के नाम से सेव हो जाए, तो यहाँ पर टोटल के नाम से सेव हो गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे स्कूल टी से ये डेटा फेच करवाया है, तो यहाँ पे स्कूल टी लिखा हुआ है। जब भी आप इस क्वेरी को सेलेक्ट करेंगे, अब ये जो नीचे वाली क्वेरी है इसी को सेलेक्ट करना है और यहां से एक्सिक्यूट कराएंगे, तो यहाँ पे देखिए टोटल के साथ आपको रिजल्ट मिलेगा, और यही ऊपर वाली क्वेरी में जाएंगे तो ये टेबल सिर्फ बनी हुई थी, तो सिर्फ आपको टेबल ही एक्सिक्यूट करने पे मिलेगा, तो ये केवल टेबल दिखा रहा है और यहाँ पर टोटल भी दिखा रहा है। इसी तरीके से अन्य कैलकुलेशंस भी आप कर सकते हैं इसमें बहुत ही इजीली। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।